Hello and welcome to the first ever exclusive and candid conversation on news television with Narendra Modi, the BJP's prime ministerial candidate. Over the next 6 nights, Narendra Modi, through our channel, will reveal previously unreported insights into how he dealt with challenges, controversies, political conspiracies and political adversaries during the 13 turbulent years as Chief Minister of Gujarat. Tonight, Narendra Modi begins this 6-part series with the surprise decision by the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee to appoint him successor to Keshubhai Patel as the Chief Minister of Gujarat in 2001. He takes us through the time when the BJP had lost seats in the by-elections due to the administration's mismanagement of the relief and rescue efforts in the aftermath of the catastrophic Bhuj earthquake of 2001. Modi taking his first oath. When the 51-year-old Narendra Damodar Modi was taking his oath as the CM of Gujarat, the history of Gujarat was being rewritten. Now, for the first time ever, the Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi, has spoken to the activist and author Madhu Kishwar about all the controversies and contentions that have marked his reign as the Chief Minister of Gujarat. In his entire career span of 26 years, the person who has not even fought a single election, even for a sarpanch, was the BJP's choice to replace the sitting Chief Minister Keshubhai Patel. The then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee called up Narendra Modi, who at that time was attending a funeral of a journalist. आज तक का एक कैमरामैन था, शायद गोपाल नाम था, जिसका माधुराव सिंधिया के साथ शायद तो मैं उसके फ्यूनरल में गया था और वहां से फिर मैं अटल जी को मिलने गया था. वो मुझे पीएमओ से फोन आया. तो अटल जी ने मुझे पूछा कहाँ हो, तो मैंने उसे कहा कि मैं तो हंस पड़े. बोला तुमसे क्या बात करूँ यहाँ, तुम ऐसा करो रात को घर पे आ जाना, रात को घर पे आ जाना. ऐसा करके मैं उनके यहाँ गया था. Now that it was decided that Narendra Modi will replace Keshubhai Patel as the Chief Minister, Narendra Modi, before going to Gujarat, called up Gandhinagar himself in the circuit house. जब मैं यहाँ आना था मुझे कि भैया मुझे गुजरात जाना है, तो डिक्लेयर तो नहीं हुआ था क्योंकि एमएलए मीटिंग होनी थी, उसमें कोई डिसाइड करना था. तो मैंने वहां से फोन किया पार्टी ऑफिस को. मैंने पार्टी ऑफिस को फोन करके कहा कि भाई मैं आ रहा हूं, तो मुझे कहाँ जाना है, मेरे पास कोई रहने की व्यवस्था है नहीं. तो बोले जैसा आप कहें. मैंने कहा भाई किसी के घर पे तो नहीं रहूंगा, आरएसएस हेडक्वार्टर पर भी नहीं जाऊंगा रहने के लिए, तो पहले मैं वहां रहता था. गांधीनगर सर्किट हाउस में आप कमरा बुक कर दीजिए ताकि सबसे मेरा मिलना मिलना भी हो जाए. फिर मैंने ये कहा कि देखिए भाई कमरा अगर बुक करते हैं किसी एमएलए के नाम पे मत करना, कि उसमें कंसेसर होता है ना. हाँ, मैंने कहा ये मेरे नाम से होना चाहिए और फुल पेमेंट से होना चाहिए एज ए सिटीजन, मैं ऐसे ही रहूंगा वहां. तब तो ये भी पता नहीं था मुझे कितने दिन रुकना है, क्या करना है, मुझे प्रोसेस मालूम नहीं था. मुझे अब 6 साल के बाद आया था, लेकिन जैसे मीडिया प्रोएक्टिव होता है तो हवा तो पकड़ गई एकदम से. The man who was away from Gujarat for 6 years first visited his mother to seek her blessings. गांधीनगर में सर्किट हाउस गया. जैसे मैं लैंड करूंगा तो पहले मैं अपनी माँ से मिलने जाऊंगा. मैं माँ के पास चला गया. After his mother's blessings, he went to the circuit house where there were people waiting for him. गांधीनगर सर्किट हाउस आ गया.
लोग मिलना शुरू हो गए एकदम से। मिलना शुरू हो गए तो मैंने एक बात देखी, सब लोग जो मुझे मिले वो कह रहे मोदी जी क्या करोगे आप, क्यों ये पद लेते हो, पार्टी तो डूब रही है। दूसरा मुझे लोग बताते हैं नरेंद्र भाई कुछ करो या ना करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना जरूर करना, इतनी परेशानी है गांव में, बोले बिजली हमको नहीं मिलती है। एक दूसरी बात जो तुरंत छूती थी वो आती थी, कोई ऐसा भी कहता था हाँ चलो अच्छा हुआ, कुछ अच्छा होगा, चलो भाई काम समय तो बहुत कम है लेकिन पता नहीं कितना कर पाओगे वगैरह वगैरह, कंसर्न भी बहुत सब लोग करते थे। कोई ऐसा भी कहता था हाँ चलो अच्छा हुआ, कुछ अच्छा होगा, चलो भाई काम समय तो बहुत कम है लेकिन पता नहीं कितना कर पाओगे वगैरह वगैरह, कंसर्न भी बहुत सब लोग करते थे। October 2001, Narendra Modi left the circuit house for Raj Bhavan for his swearing-in. For this, he went in a friend's Maruti 800 car. On his way, he stopped and prayed in front of the statues of Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Baba Ambedkar, Vitthal Bhai Patel and Ravi Shankar Vyas. और बीजेपी में मैं आ चुका था और चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बने, केशुभाई पटेल नंबर टू बने, वो शपथ समारोह था। तो बाद में मिनिस्ट्री एक्सपांशन का कार्यक्रम था, बाहर जो नए मिनिस्टर बनेंगे उनके लिए गाड़ियां खड़ी थी और वो जब मिनिस्टर बनने के बाद उनको ड्राइवर आकर कहने वाला था साहब मैं आपका ड्राइवर हूँ, ये चाबी है गाड़ी की। अखबारों में वो फोटो छपी थी, हम टॉकिंग अबाउट 88-89 का। मुझे शौक लगा था, मैंने कहा ये मैसेज अच्छा नहीं जाता, ये कोई नई चीज नहीं है, ये सरकार का हिस्सा है लेकिन ये भड़काने वाला मीडिया का रोल है। तो मैंने मेरे यहाँ कह दिया था कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद ये तामझाम नहीं करूंगा। तो मेरे दिमाग में वो चीज पड़ी थी, यानी किस चीज को मीडिया क्या कर सकता है, तो उससे बचना है तो क्या करना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक दैट वाज द रीजन। वो तो ऐसा है, मैं उस समय जब गांधीनगर आया तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो मैंने पार्टी को कहा भाई किसी कार्यकर्ता की गाड़ी और ड्राइवर को ताकि मुझे कहीं जाना हो। तो उसमें वो कोई अब तो मुझे याद है लेकिन वो पार्टी ने किसी की गाड़ी मेरे यहाँ भेजी होगी। उस समय मीडिया का जो मूड था ना वो बाइनलार्ज मोदी को नीचा दिखाना, केशु भाई को अन्याय हुआ है, केशु भाई से लूट लिया है और मोदी ने दिल्ली में कुछ बड़ा खुराफत की है और चढ़ बैठा है, दैट टाइप ऑफ स्टोरीज कांग्रेस को सूट करती थी, मीडिया उस चीजों को चला रहा था। હજુએ નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રી આમ કઈ શબ્દો બંધ બેસતા નથી. સૂન આફ્ટર હી ટુક ચાર્જ એઝ અ સીએમ, નરેન્દ્ર મોદી સેન્ટ આઉટ હિઝ ફર્સ્ટ મેસેજ ટુ ધ પીપલ. આપ સૌની શુભેચ્છાઓથી, આપની લાગણીથી જરૂર આ કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવામાં હું યશસ્વી થઈશ એવી પૂરી શ્રદ્ધા સાથે હું આપની પાસે આવ્યો છું. મારા જાહેર જીવનમાં આ તદ્દન નવું જ કાર્યક્ષેત્ર છે. આ એવું ગુજરાત છે જેની રાજ્ય તરીકેની પ્રતિષ્ઠા અનોખી છે. ગુજરાતવાસી અને ગુજરાત બહાર વસતા વતનીઓને હું મારી હાર્દિક શુભકામના સાથે આ એક નવી જવાબદારીની પ્રક્રિયામાં આપ સૌને સહભાગી બનાવવા, આપ સૌની શક્તિ કામે લગાડવા કૃતસંકલ્પ છું. ગુજરાતમાં વિકાસની અદ્ભુત ક્ષમતા છે અને ગુજરાતની પ્રજામાં કાર્યશક્તિની અખૂટ સંભાવનાઓ છે. આ જ ગુજરાતનું આગવાપણું છે, આ જ ગુજરાતની આગવી ઓળખ છે એમ હું સમજું છું અને માનું છું કે ગુજરાતની સમર્થતા પણ આ આપણાપણાની સમજ શક્તિમાં રહેલી છે. મારા આખા એ કાર્યશૈલીનો મૂળ મંત્ર છે આપણું ગુજરાત. આ આપણું જ મારે મન સર્વે સર્વા છે
आपनु गुजरात आगवो गुजरात। कोई भी चीफ मिनिस्टर शपथ लेता है तो उस दिन रात शाम को वो सभी अखबार वालों के मिलने जाता है, उनकी चैम्बरों में जाता है। मैंने वो नहीं किया, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मैंने नहीं किया। मेरा नहीं करने का कारण ये था कि मैं खुद 6 साल के बाद आया था, सरकार नाम की किसी चीज को मैं जानता नहीं था, और हॉस्टाइल माहौल है वो मुझे पहले से पता था। मैं जाऊंगा तो बेकार में शब्दों में फंस जाऊंगा, तो मैं थोड़ा चिंतित था कि मैं रियलिटी स्वीकार करता हूं। मेरा मन भी निकल गया, इन सबसे मेरा कोई नाता भी नहीं रहा था, और मन में एक भाव भी हुआ था कि बिना कारण मेरा काफी नुकसान किया है लोगों ने, तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। Next day, Narendra Modi took his first press conference. तो मैं क्या बताऊंगा, वो बड़ी बड़ी बातें बताने को मेरी पार्टी का ग्राफ एकदम नीचे था, दूसरा किसी को हटा करके हम बैठे थे, और कोई भी शब्द मेरा इधर उधर चला जाए तो बहुत, मैं पार्टी का भला तो करूंगा नहीं, नुकसान कर दूंगा। ये सारे विषय मेरे मन में एक बहुत ही प्रेशर था, उसमें मैं प्रेस के सामने गया था। उसमें ये कि हाँ, लेडी पत्रकार है जो हमारी बड़ी क्रिटिक है, उसने मुझे पूछा कि मोदी जी कितने टायर की मिनिस्ट्री होगी आपकी, तो मेरा उस दिन का जवाब था मोदी टायर। इतना रिलैक्स हो गया माहौल, सब हंस पड़े, तो एकदम से मामला सॉफ्ट हो गया। The first person who went to meet Narendra Modi after he became the chief minister was Ashok Bhatia from the administration department. जैसे मैं बना मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनना बाकी था, मिस्टर भाटिया करके हमारे जीएडी के चीफ थे। आपको हैरानी होगी, लिखने के लिए नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं सीएम बनना बाकी था लेकिन तय हो चुका था। सीएस मतलब क्या होता मुझे मालूम नहीं था, सी मतलब सी मतलब क्या, एस मतलब क्या, तो मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो जीएडी क्या होता है हमें मालूम नहीं था जी। तो मुझे वो हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि जीएडी के चीफ आए, तो मैंने कहा मैंने गौर सुना क्योंकि मुझे, मैं इन शब्दों से परिचित नहीं था। तो बोले मुझे मिस्टर भाटिया करके आए, तो मुझे लगा कोई संत वंत होंगे कोई, जीओडी मैंने सुना। मैं बताता हूँ रियली मेरे मन की स्थिति बता दू, तो मैं खड़ा हो गया वही चीजें, वो चाकवार को खा दिया, ठीक ठाक किए मैंने, मेरे को बुलाइए। तो वो आए तो पैंट सूट में थे, आपका परिचय, बोले मैं भाटिया हूँ, और मैंने बैठी बैठी, वो बैठ नहीं रहे थे, बैठिए दे नहीं बोलता, फिर मैं बैठा उसके बाद वो बैठे। तो वो ब्यूरोक्रेटिक डिसिप्लिन वाले थे, हमें ये सब ज्ञान नहीं था, हमसे उम्र में भी बड़े बड़े दिखते थे वो, और बोले साहब मैं यहाँ जीएडी का डिपार्टमेंट देखता हूँ, जीएडी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोले मैं इसका चीफ हूँ, उस डिपार्टमेंट में क्या आता होगी हमें मालूम नहीं था, हम उसको शब्दों को भी समझने की कोशिश करते थे, मैं मेरा बिगिनिंग बताता हूँ। उन्होंने कहा साहब चीफ मिनिस्टर चैम्बर में कोई बदलाव वगैरह करना हो, कुछ व्यवस्थाएं खड़ी करनी हो तो आप बताइए। मैंने कहा देखो भाई, मैंने जो चीफ मिनिस्टर चैम्बर को देखा नहीं है। The second officer who met Narendra Modi was the Chief Secretary Subba Rao. According to Modi, when Subba Rao addressed him as Sahib, he felt quite awkward. चीफ सेक्रेटरी मिलने आए हैं मिस्टर सुब्बा राव थे, तो आए, वो भी आयु में बड़े थे, उनका तो शरीर का स्ट्रक्चर भी ऐसा था कि वो काफी उम्र से ज्यादा बड़े दिखते थे। हमने बड़ी स्वागत किया, उनको बिठाया, तो वो मुझे साफ साफ करने लगे। अब हमने जिंदगी में साफ शब्द सुना नहीं था, हम भाई शब्द ही सुने हुए थे या जी शब्द सुने हुए थे, नरेंद्र जी या भाई भाई साहब ऐसा ही सुना था, साहब शब्द मेरे लिए नया था, तो आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल।
और मैंने देखा है कि उन लोगों की वो डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक डिसिप्लिन में है, ये वो करते संभाल करके वो करते हैं। मेरी कठिनाई है कि मैं गुजराती से हिंदी पर कब चला जाता मुझे पता नहीं रहता है। वो जो उल्टा मेरी तरफ है। According to Narendra Modi, he did not choose even one single officer. He worked with whoever he got. तो मुझे वो कहने लगे कि साहब आपको सीएम को स्टाफ रखना होगा। तो मैंने कहा भाई स्टाफ तो होगा ना, सीएम का स्टाफ नहीं होता है क्या? तब उन्होंने मुझे समझाया कि साहब ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। मैंने कहा भाई मैं यहाँ किसी को पहचानता नहीं, किसी को नहीं जानता, आप खुद ही तय करके मुझे दे दीजिए। मैंने कभी प्यून नहीं बदला, ड्राइवर नहीं बदला, जो सरकार ने दिया मेरा उसी से चलता है, मेरा अपना कोई चॉइस वॉइस नहीं। After becoming the chief minister, Narendra Modi even went to IMM Ahmedabad to understand management. CM banne ke baad maine pehla kaam kiya tha, IMM mein hum padhne gaye the other person who Narendra Modi interacted with was principal secretary PK Mishra, who literally held his hand and took him through all the process and the protocols. Fir woh mujhe afsar mile jab pehli baar file aayi to mere yahan shayad PK Mishra the. वो इतने सरलता से चीजों को ले जाते थे, वो आप करवा लेते थे। फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि एक ब्यूरोक्रेट क्या क्या लाइफ होता है, मुझे समझने का अवसर मिला उनसे। उन्होंने मुझे बताया कि आपको यहाँ साइन करना है। मैंने क्या क्या आईसी तो मैं देखने लगा, फाइल लाए मैं देखने लगा, मैंने कहा भाई इतना फाइल मैं कब पढ़ पाऊंगा, अगर आप तो कहते हैं साइन करो, मैं पढ़े बिना साइन कैसे कर सकता हूँ। तो उसने मुझे समझाया साहब ये मेन चीजें होती है, आप इस पर नजर दीजिए। तो मैंने पढ़ा तो मुझे समझ लिया, मैंने कहा मुझे ब्रीफ कीजिए क्या होता है कैसे, मुझे समझाइए आप। तो मुझे आज है जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं, मुझे वो पीके मिश्रा ने सिखाया था। फिर मुझे मैंने अपना जेब से पेन निकाली, बोले साहब आपकी पेन नहीं चलेगी, लाल कलर से करना पड़ेगा। वो पेन ले गए इस कलर से करना, उन्होंने पूछा ये कलर क्यों अलग मेरा, ये ग्रीन क्यों, ये बोले सब मुझे समझाया कि इस लेवल का ऑफिसर इस कलर से साइन करता है, यानी मेरा इस प्रकार से मेरा शुरू हुआ। The bureaucracy got a taste of Modi's style and personality when he met them for the first time. सेक्रेटरी की परिचय बैठक होती है पहली, सारे डिपार्टमेंट के लोग अपने, तो पहली मीटिंग थी सब अफसर बैठे। अब हम उस बैकग्राउंड के उस हमारे मकान में आईएसएन बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसी मन में ये सब बड़े लोग हैं, ये मन से धारणा बचपन से है, उनके सामने मुझे बैठना था। तो मैं काफी भीतर से थोड़ा वो जब जब गया तो भाई ये बड़े बड़े लोग हैं, मैं क्या करूँगा जाके, कैसे करूँगा मैं, अपने लोगों को समझा मुझे क्या करना है क्या करना है। बोले कुछ नहीं सर परिचय करना है। हम गए सब अपना परिचय करवा दिया, 40 करीब लोग होंगे, एक आध को बीच में कुछ पूछ लेता था मैं। और धक्काओं को तब लगा कि उसके बाद मैं सबको नाम से बुलाने लग गया, 40 को मैंने नाम से बुलाया। ये घटना ने शायद उनको पागल करके रखा, उनके लिए संभव नहीं था कि अपने 40 कलीग का नाम वो बोल सके, 15 साल से वो काम करते होंगे। मैं नाम से मार्केट आप क्या कह रहे थे, शिक्षा का बता रहे थे क्या है, ज्योति आप क्या कह रहे थे, ऐसा फट 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 में पूछने लगा है। मुझे मैं भी हैरान हूँ, मुझे वो उस समय क्वेश्चन कहाँ से निकले। तो मेरी अपनी जो 3 लोगों की टीम थी उनके बीच में जो चर्चा हुई, जो मुझे बाद में पता चला, बोले यार सीएम हमको मूर्ख बना रहे हैं, उनको सब आता है, वो फाइल में साइन कहाँ करनी है वो सब नाटक करते, बोले उनको सब मालूम है, बोले आज की मीटिंग वरना ऐसे कोई ले ही नहीं सकता। तो यानी एकदम रिवर्स थिंकिंग शुरू हो गया। सून इट वॉज डाउन टू बिजनेस
एंड नरेंद्र मोदी हैड टू स्टार्ट डीलिंग विद ऑल द फाइल्स। तीन चार दिन हुए होंगे और हमारे सीएस आए, इससे भी ज्यादा फाइलों का ढेर लेकर गए होंगे, इससे भी ज्यादा 15-20 किलो वेट होगा। प्यून आकर के मेरे टेबल पर रखा, फिर वो सीएस हमारे बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे फाइल दी, साहब ये नर्मदा की फाइल है, ये मुझे भूल गए, नर्मदा तो मुझे याद है, बाकी तीन फाइल बोले राज्य के सेंसिटिव और महत्वपूर्ण इशू है, आप समय निकाल कर इसको पढ़िए, ताकि कभी भी आपको इन चीजों पर पोजीशन लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आपको सारे इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही उसकी हाइट देखता था भाई, तीन बार चार बार वह, मैंने कहा भाई कब रखिए, लेकिन दो चार दिन के बाद अपन मिल, कब रखिए लेकिन दो चार दिन के बाद अपन मिलेंगे। मैं उन फाइलों को ऐसा भी नहीं किया, वहीं रही, मेरे मन से आवाज उठी कि ये मैं ऐसे कोई एकेडमिक स्टडी करके सरकार नहीं चला सकता, आई कांट डू दैट, ये मेरे मन में से आवाज उठी। मेरे अफसरों जो तीन अफसर थे, मैंने कहा भैया मुझे सीएस साहब दे गए हैं, मैं तो इतना पढ़ नहीं पाऊंगा, इतना पहले आप लोग मुझे इसका समझाइए, आखिर ये मसाला है क्या, मुझे कहाँ से शुरू करना, क्या करना, मैं ही के कागज देखता जाऊंगा तो मैं बस का रोल नहीं है, और फाइल नाम की चीज पढ़ना प्रकृति में ही नहीं है, मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं। तीन चार दिन के बाद सीएस आए, मैंने कहा फाइल में मुख्य बातें क्या है जरा मुझे बता दीजिएगा, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा मेरे लिए इतना काफी है, आप इसको ले जाइए। उसके बाद मुझे कभी भी इन विषयों का ब्रीफिंग नहीं लेना पड़ा है, 13 साल हो गए, मेरा इतना ग्रास्पिंग था उस विषय को, मैं इतनी बारीकी से पकड़ लिया, इन चीजों का उनके मन पे इम्पैक्ट हुआ। फिर वो कभी मुझे कहते रहे थे साहब इसको देख लीजिए, मैं आर्गुमेंट नहीं करता हूँ जी, मैं आई एम अ गुड लिसनर, बाहर जो छवि है ऐसा नहीं है, मैं बहुत सुनता हूँ, और मैं आज कह सकता हूँ कि अगर मेरे डेवलपमेंट में रीडिंग ने अगर 30% रोल किया होगा तो लिसनिंग ने 70% रोल किया है। मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सुना, सुनता हूँ उसको, मैं एनालाइज भी करता हूँ और अलग अलग बॉक्स में माल रख देता हूँ, मैं उसमें मुझे कोई टाइम नहीं लगता है, कोई जरूरत पड़े मैं निकाल देता हूँ उससे, तो ये एक एक्स्ट्रा मुझे मेरी विधा वो डेवलप हुई है। आज भी मेरे अफसर मुझे कोई कागज वगैरह देते हैं तो मैं उनको कहता हूँ 2 मिनट में मुझे बता दो, 2 मिनट में बता दो, 2 मिनट में जब वो 10 पेज का डॉक्यूमेंट के लिए वो काफी हो जाती है, तो ये मेरा है ना डेवलप हुआ। Chief Minister, the first thing Narendra Modi did was to transfer some 12 to 15 officials, and this he did not do out of personal vendetta. मैंने कुछ जानकारियां पाने की कोशिश की कि भाई जिनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है और जिसके कारण सालों से एक एक जगह पर बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ लोगों को मुझे टोकन के रूप में ट्रांसफर ऑर्डर करने हैं। ये मैंने वो मिस्टर भाटिया को बुला करके कहा, जीएडी के चीफ थे, और फिर मेरे जो मंत्री वगैरह थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई जरा अफसरों के संबंध में आपका क्या ओपिनियन बताइए ना, तो किसी ने 2 का बताया, किसी ने 5 का बताया, किसी ने 3 का बताया, तो मुझे मोटा मोटा एक अंदाज आ जाए मेरी अपनी चैनल से। कुछ मेरे मीडिया के मित्र थे, उनको मैंने पूछा क्या है बिल्कुल मेरा कैसा चलता है, कुछ हमने भी पहले सुना हुआ था वगैरह, तो एक 12-15 की सूची मैंने आइडेंटिफाई की, उसमें टॉप सेक्रेटरी लेवल के थे, कुछ जूनियर आईएएस अफसर थे, कुछ जूनियर गैस कटर के अफसर थे, लेकिन 12 एक ही स्टॉक में उनको बहुत ही मैंने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर में उनका साइड पोस्टिंग किया।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धमाका था कि ये ऐसे नाम थे जिनको कभी पिछले 25 साल से किसी ने हाथ नहीं लगाया था, 25 साल में हाथ नहीं लगाया था। इसमें से कुछ लोगों ने पूरा इस्तीफे दे दिए। मैंने भी कहा ठीक है भाई, सम्मानपूर्वक जाने का, हमें कोई किसी की जिंदगी थोड़ी बिगाड़नी है। लेकिन उससे एक स्ट्रांग मैसेज चला गया कि मेरी जीवन की प्रायोरिटीज क्या होगी। ये करीब ये लोग, इन्होंने ढेर सारे मुख्यमंत्रियों को देखा है, उनके लिए मैं क्या चीज हूं, तो समझना कोई मुश्किल काम नहीं था उनके लिए। January 26, 2001 saw Gujarat hit with one of its worst earthquakes in 180 years. The epicenter of this 7.8 Richter scale earthquake was in Chobari village. The 2 minutes that shook the earth left thousands dead and lakhs homeless. मेरे सामने भूकंप पुनर्वसन प्रमुख, दो काम मैंने पहले किए, नर्मदा एंड कच्छ। मेरे सामने प्रायोरिटी वही थी, वही किया। तो मैं, मुझे बराबर याद है कि वो मैंने किस बात पे, ये इरेगुलरिटी करप्शन भूकंप में मेरे ध्यान में आया, गरीब लोगों को परेशान करना। अच्छा, ये बड़ा कागज बोला और वो बेचारा परेशान है। जब मेरे ध्यान में आया इमीडिएट मुझे याद है, मैंने डिसीजन लिया। तो ये बात मुझे जो बहुत लोगों, मैंने मैं आज मुझे ध्यान नहीं आता कि मैंने ऐसे डिसीजन कैसे लिए होंगे, और मैं कोई ऐसा बड़ा रोबिन हुड की तरह काम करने वाला इंसान नहीं, मैं बड़ा ही वो, लेकिन मुझे टच कर गया होगा तो मैं डिसीजन लिया। पूरी सिस्टम को मैसेज चला गया कि ये मानवता से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें कुछ नहीं। उसके बाद हमने एक काम किया, वो भी शायद उसी समय किया, देन हमने हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि हमको एम्बर्समेंट दो, लुकआउट जिसको कहते हैं। अब कच्छ के अंदर किसी भी नागरिक की शिकायत होगी सरकार के खिलाफ, वो सुने। और सरकार को मैंने कहा कि कोई भी नागरिक अगर एम्बर्समेंट के पास जाता है तो सरकार कोई वकील नहीं लाएगी, कोई आर्गुमेंट नहीं करेगी। वो एम्बर्समेंट अगर तय करता है कि अंडर दिस पॉलिसी उसको मिलने वाला है, तो सरकार को विदाउट आर्गुमेंट दे देना है। 9 months after the earthquake, Modi took charge of Gujarat. His immediate priority was relief, rehabilitation and rebuilding. And his first tour was to Kutch. 3 days लगातार कच्छ में रहा था। मैं मालाएं वालाएं पहनने का कोई कार्यक्रम नहीं किया था। मैंने पहले दिन सूचना दी थी, वरना क्या है अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देते हैं फोटो के साथ अभिनंदन अभिनंदन। मैंने पहले दिन कहा, मैंने कहा मेरे नाम से किसी ने एडवर्टाइजमेंट देना नहीं। तो मैंने जो वो किया तब तो मेरे मन में हम्बल वाला एटीट्यूड था, तो मुझे मालूम नहीं था कि इसके मीडिया को रिएक्शन आएगा। तो मीडिया ने मेरी बड़ी आलोचना की क्योंकि उनकी इनकम कम हो गई थी। अब वो मुझे एंगल ध्यान ही नहीं आया था, मुझे वो एंगल ध्यान नहीं आया था। तो मैं गया, तो ये हमारे मोदी एड्रेस द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, बट द फर्स्ट मैसेज ही सेंट आउट वाज दैट हिज डेज स्टार्ट अर्ली। मानसिंह ने मुझे बढ़िया बात बताई, हेलीकॉप्टर शुरू में तो वो खुलते नहीं है, लेकिन 3 दिन साथ रहे तो थोड़े बोले साहब हमारा तो पूरा वर्तव से बदल जाएगा। बोले क्यों? बोले पहले तो साहब हमें मालूम था कि 10 बजे का टाइम तय होता था, मुख्यमंत्री 12 बजे आते थे, ये आप तो 9:45 आ जाते हो। तो बोले मैं भी बराबर तो उस प्रकार से अपने आप को पिछले 3 दिन से ठीक कर रहा हूँ। बोले साहब सब जगह पर होगा। तो ये जो चीजें हैं वो शब्दों में मुझे कभी कहनी नहीं पड़ी, उनको व्यवहार से ध्यान आ जाता है। फिर मैं कहीं पर खाने के लिए मना कर देता था, मैं सरकार में मेरा टूर करता हूँ तो भोजन नहीं करता हूँ मैं। तो एक तो मुख्यमंत्री जब जाता है तो उस डिस्ट्रिक्ट के सारी सरकारी बिरादरी को बुला लेते हैं, तो सब बेचारे फाइलें ले लेते घूमते, क्योंकि मुख्यमंत्री पता नहीं कब क्या पूछ लेगा, ये एक बड़ा खौफ रहता है। ये सब मैंने बंद करवा दिया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, जिस डिपार्टमेंट के लिए आता हूँ उसके जो प्रमुख लोग हैं वो रहे बहुत है। दूसरा मैंने कहा मैं आऊँगा कोई भोजन समारोह, क्योंकि मैंने देखा कि वो 500 लोगों का भोजन समारोह हो जाता था, मुख्यमंत्री के साथ नहीं लेकिन व्यवस्थाएं बन जाती थी, बजट में होता नहीं था, तो वो अपना नीचे किसी को कह करके करवा लेते,
अब दैट वॉज ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ करप्शन, या तो ऑब्लिगेशन जो भी हो। मैंने कहा भाई ये मैं नहीं करूंगा, मैं अपना डिब्बा खा साथ ले जाता था। तो ये चीजें हैं जो उसका मैसेज तुरंत, अब ये मुझे कुछ करने के लिए मैं नहीं करता था। मैं मानता हूँ कितना समय बर्बाद होता है, कितना टाइम कर रहा, घंटे चले जाते हैं, मेरे पास समय है नहीं, मुझे काम करना है। हमारे सी एस मेरे पास आए विश्व सुबारा, बोले साहब कलेक्टर और डीडीओ की अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस है, तो आपको उद्घाटन के लिए आना है। तो मैंने कहा कि साहब मुझे क्या करना है। तब तो मैं सबको भी साफ बोलता था, मुझे कोई ऐसा सारा वो अपना बैकग्राउंड एक अलग प्रकार का था। बोले साहब आप आइए, दीपक जलाइए और उसके बाद आपको कोई इनको कहे सुझाव देने हैं तो दे दीजिए, फिर दिन भर हमारा मीटिंग चलेगा। तो मैंने कहा इसमें क्या क्या होता है, तो बोले वो हम रिव्यू करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट का कलेक्टर डीडीओ से। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। मेरी ऑफिस में मैंने कहा भाई ऐसा करो उस दिन खाली रखो, और कोई काम नहीं करेंगे, खाली रखो। तो हम गए हमारे यहाँ उस मीटिंग में, दिया विया जलाया, फिर हमारे उन्होंने मुझे गुलदस्ता वगैरह दिया, सब तालियां वालियाँ हो गई, सब हो गया। फिर मुझे कहा कि आप सीएम बोलेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो नया हूँ, मुझे तो सीखना है, मैं क्या मार्गदर्शन करूँगा। तो आप चलाइए, थोड़ी देर में बैठा हूँ देखूँगा। मैं मीटिंग में बैठा। नॉर्मली एनुअल कलेक्टर डीडीओ की रिव्यू मीटिंग मतलब 10:30-11 बजे शुरू होती थी, 1 बजे तक पूरी हो जाती थी, लंच होता था और सब अपना अपना 200-250 किलोमीटर से आकर के वापिस जाते थे। ये मैंने बाद में सुना, उस दिन तो नहीं सुना। फिर मैं तो बैठा, अब वो सब बैठे। पहले क्या करते थे, मान लो एजुकेशन का विषय, तो एजुकेशन सेक्रेटरी आएगा, वो इनको बेचारों को डांटेगा, पूछेगा और फिर आधे घंटे में अपना चला जाएगा। फिर एग्रीकल्चर वाला आएगा, वो आधा घंटा चलाएगा, वो चला जाएगा, ऐसे ही होता था। हम बैठे तो सबको बैठे रहना पड़ा, एक एक का चर्चा हुआ, मैं लिखता गया क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। मैंने एक चीज रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जो बोलते हो वो अपना नाम बता करके बोले, ताकि मुझे पहली बार मिलना था तो मैं परिचय मेरा हो जाएगा। तो सबका नाम भी याद हो गया, ये कलेक्टर कौन है, डीडीओ कौन है। फिर लंच का टाइम हुआ, मैंने कहा लंच का समय दे दीजिए सबको, अपन फिर से बैठेंगे। तो मैं बोलता नहीं कुछ पूरा दिन, रात को 11 बज गए। ये मेरे पहली बेटी की रात को खाने का डिनर का व्यवस्था नहीं था, क्योंकि वो तो लंच वाली मीटिंग होती थी। फिर मैं 11 बजे मैंने कहा साहब अब कैसा करेंगे, बट अब तो बहुत देर हो गई, सब थक गए होंगे, तो अब तो ज़्यादा क्या परेशान करना। तो बोले नहीं साहब आप बोलिए। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा देखो भाई अब बहुत देर हो गई है, काकि आपका शेड्यूल गड़बड़ा गया होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरे लिए अच्छा दिन रहा, बहुत कुछ चीज़ें मुझे सीखने को मिली, समझने को मिली, और वाकई मैं आप लोगों की तारीफ करता हूँ कि आप कितना काम करते हैं, कितनी बारीकियों से चीज़ों को करते हैं। फिर मैंने उनको कहा देखिए भाई मैं बहुत वर्कहोलिक हूँ, मैं दौरा बहुत करूँगा, अब मान के चलिए कि मैं लगातार एक एक महीने में 2-2 बार एक एक डिस्ट्रिक्ट में आना भी मेरा हो सकता है। मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि मैं आने वाला हूँ तब ये पूरे जिले के काफिले को कभी इकट्ठा मत करना। दूसरा मैंने कहा सीएम आने वाले हैं, सीएम आने वाले हैं, इसलिए सर्किट हाउस ठीक करो, चद्दर नहीं लाओ, पर्दे नहीं लाओ, कलर नया करो, बाथरूम में सारा सामान नया लाओ। मैंने कहा ये सब मत कर, क्योंकि मैंने शुरू के 15 दिन में देखा था कि बाल्टी नहीं आ गई है, नलके नहीं डाल दिए, सब मैंने देखा था। मैंने कहा वो सब करने की जरूरत, एक सामान्य इंसान हूँ, जो व्यवस्था है मैं उसी से अपना साफ सुथरा होना चाहिए, इससे अधिक आप ये सब खर्चे मत करना। दूसरा मैंने कहा कि भोजन समारंभ मैं नहीं करूँगा, तो आप उसको भी अब ये। फिर मैंने कहा भाई
साहब आए तो गाड़ी एसी एक नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़िए। आपके यहाँ जो भी डिपार्टमेंट के पास गाड़ी पड़ी होगी, मेरे लिए वो गाड़ी काफ़ी है। इसके लिए गांधीनगर से स्पेशल एक कॉन्वॉय आ जाए, फिर मोदी उस कॉन्वॉय में जाएंगे, ये कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी रूटीन कोई भी गाड़ी है तो आप उसको चला लीजिए। और मैंने कहा वहाँ के जो MLA होते हैं उनसे मिलने का मेरे लिए कभी समय रखना, जब भी मैं आऊँ तो उनको कुछ कहना है, तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर समय मांग दे तो मेरा समय उनको आप व्यवस्था में रखना। ये मेरी पहले दिन की उनको सूचना है, तो उनके लिए बड़ी हैरानी थी कि ये ऐसा इंसान है कि जो कहता है ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, साबुन नया लाओ। मैं मानता हूँ इसने उनको एक चौकस मैसेज दिया है, भाई ये कोई अलग प्रकार के सोच वाला सचमुच में कुछ करना चाहता है। तो मेरी सिंसियरिटी का मैसेज इन्हीं चीज़ों से तुरंत पहुंचने लगा था, और ये सब चीज़ें फर्स्ट 100 डेज की है। एम्पावरमेंट, दैट वाज माय बेसिक प्रायोरिटी। मैं जब पहले 3 दिन गया तो मैंने देखा भाई मुसीबत क्या है, तो निर्णय कौन करे साहब, ये नियम में तो ये होता नहीं है, यही सारी बातें आई। तो मैंने कहा भाई अब ये नियम तो मेरे आने से पहले बने हुए हैं, अब मैं रातों रात क्या करूँगा। मैंने आकर के अफसरों की मीटिंग बुलाई, जो कंसर्न अफसर थे, सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं जिनको कोई ना कोई काम होता है। मान लीजिए कोई इरीगेशन वाला होगा तो उसको भी भूकंप में काम होगा, हाउसिंग वाला होगा तो उसको भी होगा, सब अगर होगा। मैंने बताया, मैंने कहा भाई ये लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे तो ये परिणाम कब मिलेगा। तो मैंने कहा भैया बताइए आप लोगों को सोच क्या है, तो मुझे एक प्रेजेंटेशन दिया गया। किसने प्रेजेंटेशन दिया? गवर्नमेंट अफसरों ने, स्टेट के जो ये डिजास्टर का काम देखते थे और जो सेक्रेटरी अपने अपने डिपार्टमेंट का काम। मैंने कहा हर डिपार्टमेंट मुझे बताएं कि भूकंप में आज कहाँ खड़े हैं, आगे काम का रोड मैप क्या है। तो मैंने उसका एक प्रेजेंटेशन लेने का लिए उनको सूचना की, उन्होंने मुझे सारा बताया। जो बताया उन्होंने वो मुझे फाइनेंशियल ईयर के रूप में बताया कि मार्च महीने तक ये करेंगे। तो मैंने कहा भाई पहली बात है ये फाइनेंशियल ईयर अपने के दिमाग से निकाल दो, आप मुझे बताइए दिसंबर तक क्या करोगे। और फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप फरवरी में क्या करते हो उसे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। 26 जनवरी को दुनिया हमारा क्रिटिकल एनालिसिस करेगी, सारे हिंदुस्तान का और दुनिया का मीडिया यहाँ आएगा 26 जनवरी को, इसकी वर्षी वो हमसे ज़्यादा वो मनाएंगे। तो मैंने कहा कि ऐसी स्थिति में हम उन चीज़ों को करें और उतनी तेज़ी से करें कि एक साल का हिसाब हम दुनिया को दे पाएं। और मैं मानता हूँ ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट जस्ट टू शो द मीडिया, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने कहा ये मार्च वाला सारा प्रीपोन करके मुझे बताइए। तो किसी ने कहा 15 दिसंबर, किसी ने कहा 30 दिसंबर, लेकिन मैंने किसी को जनवरी में जाने नहीं दिया, नथिंग टू डू, मुझे दिसंबर एंड चाहिए। तो सारे रीशेड्यूल हुआ उनका पूरा प्लानिंग। उसके बाद में मुझे लगा अब अक्टूबर में मीटिंग ले रहा हूँ, नवंबर और दिसंबर दो महीने में क्या करेंगे जो इतने महीनों का नहीं किया है। देन मैंने एक विचार किया, एक आध दिन के बाद मुझे रात को घर आया तो शायद मुझे एक विचार आया, इसको कैसे करूँ मैं। मेरा एक स्वभाव था, दिन रात चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी, और कोई विषय मेरे यहाँ जल्दी इंजेक्ट नहीं होते हैं, जिसमें लगा उसे रहते। तो मैंने सुबह CS को फ़ोन किया, मैंने कहा CS आज जरा अब जल्दी आइए, मुझे बात करनी है। मैं तो ऑफिस जल्दा चला जाता था, 9 बजे पहुँच जाता था कभी कभी, तो बेचारे आ गए। मैंने कहा मुझे बताइए टोटल 38 तालुका थे जो अफेक्टेड थे, मैंने कहा मुझे आज सबसे ज़्यादा अफेक्टेड तालुका कौन से, उससे कम अफेक्ट ABC करके मुझे ज़रा निकाल के दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक आध दो घंटे में सब करके दे दिया। मैंने कहा मुझे एक काम करना, सबसे एफिशिएंट ऑफिसर है उसको सबसे अफेक्टेड एरिया में मुझे इंचार्ज बनाना है, तो मुझे इसे नाम निकाल के दो। तो नाम निकाल के दिए, तो मैंने कहा अब ये इनकी मीटिंग बुलाओ, उन अफसरों की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा देखो भाई आप उस तहसील के आप ही चीफ मिनिस्टर हो, यू आर अ चीफ मिनिस्टर, और जो भी निर्णय करने हैं अच्छे हैं बुरे हैं जो भी करने आपको करने हैं,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन मुझे वहां परिवर्तन लाना है। और दूसरा मैंने कहा हर शुक्र शनि रवि आपको वहां जाकर रहना है, खुद ने वहां चीजों को एक तहसील का ज्यादा नहीं। फिर मैं मंडे को रिव्यू करता था, मंडे को 11 बजे इन सबको आकर के मुझे बताना क्या करके आए। पहली मीटिंग में ये सब आए तो क्या कहा, सर ये तो हो ही नहीं सकता है कुछ। मैंने कहा क्यों? बोले हमने रूल्स गलत बनाए हैं, हमने नियम गलत बनाए हैं। तो मुझे जब गया था 3 दिन तो लोगों ने मुझे कहा था सरपंच साहब ये सरकार के नियम में बैठता नहीं है, ये तो मुझे वो सर्टिफिकेट चाहिए तो होगा, उसके पास ये प्रूफ नहीं है तो कैसे होगा। ऐसी सारी चीजें प्रैक्टिकल थी, यानी एक प्रकार से सरकार का स्वभाव है न देने के रास्ते खोजना, ये मूलतः सरकार की प्रकृति है। तो वो मैं सुनकर के आया था, तो मैं उसका आंसर ढूंढ रहा था, तो मुझे आंसर इसमें मिला कि भाई यू आर ए चीफ मिनिस्टर। वापिस आगे उन्होंने कहा साहब ये सब हमारे GR कैंसर गलत है, इससे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा किसने बनाए थे? बोले हमने बनाए थे। मैंने कहा आप नीचे गए तो आपको पता चला ना जूता कहाँ चुभता है। अब इट इज योर ड्यूटी कि मुझे गुरुवार तक क्या मॉडिफाई करना मुझे दिखाइए, और मूल नीतियों के विपरीत नहीं होना चाहिए, ड्रास्टिकली विपरीत नहीं होना चाहिए। गुरुवार तक उनको काम दे दिया मैंने, वो सारी नए, मैंने कहा आज जाने से पहले इसका सरकार ऑर्डिनेंस GR निकाल दे, गवर्नमेंट का कानून निकाल दे। मैंने कहा शुक्रवार जाके इम्प्लीमेंट करके आ जाओ। दूसरे वीक वापिस आए, बोले साहब भारत हम तो काम करके दे देंगे, फटाफट होने लगा है। अब ये छोटी छोटी चीजें बारीकी एक व्यवस्था के तहत हमने कर दी। वो गए, कुछ ईसाई अफसर थे जिनको क्रिसमस में जाना था, तो वो एक बहुत बड़ा पंक्चर होता था, लेकिन वो ईसाई अफसर मेरे पास आए, बोले साहब इस बार क्रिसमस नहीं मनाएंगे, हम ये करेंगे। बोले चले अच्छी बात है भगवान। मैं इस बात को 50 लोगों को बताता था, इंस्पायर करता था। देखिए फिर मैंने इसको इमोशनल टच दिया, मैंने घोषित किया अब हम इस बार हम दिवाली नहीं मनाएंगे, दिवाली नहीं मनाएंगे। और मैंने कहा मेरी पूरी सरकार सभी मंत्री दिवाली के दिन उस गांव में जाके रहेंगे जहां भयंकर आपदा आई थी, उनके साथ घर नहीं होगा तो वो टेंट में रहते तो टेंट में रहेंगे। मैं भी खुद गया, एक बहुत बड़ा इमोशनल इफेक्ट था सबके मन में, बड़ा छू गया लोगों को। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कच मोदी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, ही वॉन्टेड टू हेल्प एंड रीबिल्ड लाइफ ऑफ द पीपल। सिर्फ कच गया ऐसा नहीं, सभी भूकंप पीड़ित इलाकों में गया, बनासकांठा में भूकंप है तो वहां गया, पाटन में भूकंप है तो वहां गया, जामनगर में भूकंप है तो वहां गया। वहां मैं लोगों से मिला, उन सभी 38 तालुका के लोगों को किसी न किसी रूप में मिलना ये मेरा प्रयास था। ये लाखों घर बनाने कैसे करेंगे? मैं कहा इसमें तो सबको छोड़ना पड़ेगा भाई, तब होगा। तो मेसन्स चाहिए हजारों के तजर्बे, मेसन्स को हमने कहा ट्रेनिंग करो, तो वो ट्रेनिंग की। फिर हमने कहा स्कूल बनानी है तो गांव के अंदर विलेज कमेटी बना दो, उनको नक्शा दे दो, मटेरियल बैंक बना दिया हमने, मटेरियल बैंक सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, क्या चाहिए मटेरियल बैंक से ले लो, कोई खर्चा वर्चा कुछ नहीं। और मैंने लोगों को पैसा दे दिया कि भाई आप अपना स्कूल, गांव की कमेटी बनाई, एक टीचर होगा, एक गांव का सरपंच होगा, ऐसे एक कैटेगरी तय की और 5-7 लोगों की कमेटी बना दी, उनको हमने पैसे दे दिए। उनका पहला काम स्कूल बन जाए ताकि बच्चे अगर नॉर्मल हो गए तो जीवन नॉर्मल की शुरुआत हो जाएगी। आपको जान के हैरानी होगी पैसे वापस लौट रहे थे, ये अपने आप में बड़ा ही टची बात थी। हमने उनको पैसे दिए, उन्होंने स्कूल के अगर एक कमरा बनाना सरकार के नियम में था तो उन्होंने 2 बनाए, जगह कम थी तो उन्होंने डोनेट की जगह, अच्छी स्कूल बनाई, पहले से बेहतर बने। ये तो हुआ है पूरे कच्छ में है, सब कुछ भूकंप को हमने अवसर में पलट दिया है। वो तो और वो हमारा मन में था कि अब हम वो मरा हुआ काम नहीं करेंगे, हम ग्लोबल स्टैंडर्ड पे करेंगे। ये मैं बहुत स्ट्रिक्ट था उसमें, ये नो कॉम्प्रोमाइज, उसका फायदा भी मिला।
आज जो कच्छ में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो पूरे गुजरात में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर इन कच्छ, पूरे गुजरात में बेटर देन अहमदाबाद। तो ये उसका हमें फायदा मिला, उसका हमें फायदा मिला। और ये मेरा मत था, ये आफत को अवसर में पलटना है, ये मेरा बड़ा ही आग्रह रहता था। Narendra Modi first delivered to the people of Gujarat. He then gave a PowerPoint presentation to the Prime Minister Vajpayee on the promises fulfilled. तो ऐसी कई चीजें की, तो हमने काफी यानी जनवरी तक में तो सारी स्थिति बदल दी। फिर मैंने तय किया कि मुझे जाकर के अटल जी को पूरा ब्रीफिंग करूं। तो मैं टेक्नोलॉजी का तो मेरा स्वभाव था, तो मैंने सारा उस प्रकार से वर्कआउट किया वो सारा मैंने उनको वर्कआउट कर दिया। वर्कआउट कर करके मैंने दिखाया उनको। शरद पवार उस समय भारत सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट के चीफ थे, तो हैरान हो गए। अच्छा, दूसरा मैंने किया काम, पूरे दुनिया के एम्बेसीज को बुलाया। अच्छा। दिल्ली में, वो भी 23 और 24 तारीख की बात है, जनवरी। सभी एम्बेसीज को मैंने रिपोर्ट किया, आपके देश ने हमारी मदद की थी, मैं आपका आभारी हूँ, आपने जो मदद की उसका हमने ये किया, दिस इज द सिचुएशन। सामने से मैंने इन्वाइट किया था, मैं खुद दिल्ली जाकर के अटल जी के घर में ये पूरा मैंने ब्रीफिंग किया। तीसरा मैंने किया, दिल्ली में मैंने प्रेस को बुलाया, प्रेस को पूरा ब्रीफिंग किया, मैंने पूरा ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन दिया। 26 जनवरी को सारा देश का मीडिया, सारे देश का मीडिया यहाँ था। और 26 जनवरी को एक साल के बाद उन्होंने तारीफ की है कि सचमुच में गुजरात में पीड़ितों के प्रति पूरा ध्यान दिया जाता है, काम सही दिशा में चल रहा है, तेजी से चल रहा है, इस टाइप का छोटा मोटा 80-20 तो होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज वन कैन से। इससे क्या हुआ, मेरे अफसरों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। जो लोग शुरू के 8 महीना गालियां खाई थी, उनको लगा चलो यार अब कुछ बात बनेगी, उसने उनको काम करने की ताकत दी। और उसमें उनको ये मेरी स्ट्रेटेजी, ये अप्रोच, ये सारी चीजें बहुत पे कर गई। 13,805 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन द अर्थक्वेक इन गुजरात। 67,000 लाख्स ऑफ पीपल वर इंजर्ड। मोर देन 12 लाख्स हाउसेस एंड बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड। इन द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ हिज टेकिंग चार्ज, नरेंद्र मोदी शोड व्हाट ही वाज कैपेबल ऑफ डूइंग।